Hello students, welcome to the physics classes by SONI sir, and I am very happy to see to start the online classes for the physics subject for you. ठीक है, आपको पता है हमारे शहर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद पड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टॉपिक वाइज सिलेबस के मुताबिक हम एक क्लासेस स्टार्ट करें. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास ट्वेल्थ है, ठीक है, उसमें चैप्टर का लिंक किस तरीके से है, यूनिट्स जो हैं वो किस तरीके से आपस में लिंक्ड हैं, हमें वो सीखना है. ठीक है, फिजिक्स में घुसने से पहले फिजिक्स को समझना ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं. देखो क्लास, ध्यान दो, हमारे सिलेबस में पूरी मिला के 10 यूनिट्स हैं. ठीक है, और पूरी फिजिक्स को हमने दो पार्ट से ब्रेक कर रखा है, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट एंड फिजिक्स पार्ट टू. आप सब जानते हैं 11th क्लास आप पास आउट हो. ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहले कि यूनिट फर्स्ट जो है अपनी, वो बेस किस तरीके से है. फिजिक्स फर्स्ट में जो मेन रोल है यूनिट फर्स्ट का, वो किस तरीके से बिलोंग करता है. देखिए, सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो होता है उसमें हम ये पढ़ेंगे चार्ज. ये पूरी बुक जो है वो चार्ज पे बेस्ड है. ठीक है, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट जो है, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट वो कम्प्लीटली चार्ज पे बेस्ड है. चार्ज होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और कैसे हम लेके आते हैं किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर, हमें ये पढ़ना होता है. तो हमारी जो स्टेट होती है चार्जेस की, वो क्या होता है, रेस्ट स्टेट और एक मोशन स्टेट. रेस्ट स्टेट की स्टडी हम जब करते हैं चार्जेस की, तो उसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये यूनिट फर्स्ट है आपकी, इट इज़ अ यूनिट फर्स्ट, और इट इज़ अ बेस ऑफ दिस बुक. ओके, और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, गॉस लॉ, कैपेसिटर्स, जो कैपेसिटर हम काम में लेते हैं कंडेंसर फैन में, इनमें. ओके, फिर ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसकी जस्ट बाद में चार्जेस मूव करना शुरू करेगा. अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, तो जब चार्ज मोशन करेगा, चार्ज मोशन करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड ऑफ द बुक. इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक लॉस, ओम्स लॉस, किरचॉफ्स लॉ, एसेट्रा एसेट्रा, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम पढ़ेंगे, मीटर पिच, पोटेंशियल मीटर एक्सेट्रा. ओके, नाउ अब जब 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब कभी किसी वायर से करंट अगर फ्लो होती है तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सिंबल उसका होता है बी. यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यहाँ सिंबल था ई वेक्टर, यहाँ होता है सिंबल क्या, बी वेक्टर. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये दो तरह का होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल. ओके, तो आर्टिफिशियल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड में, इट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे बाय सावर्ट्स लॉ. ठीक है, आगे देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड नेचुरल है, जैसे आपने पढ़ा था चुंबक के बारे में, इट इज़ अ बार मैग्नेट, इट इज़ द Fe2O3. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, इट इज़ द मैग्नेटिज्म, इट इज़ द पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द अर्थ ऑल्सो. फिर जो हमारी जो फिफ्थ यूनिट है इस बुक की, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, बस यहाँ तक कम्प्लीटली लिंक होता है इस पूरी बुक का. हमारी जो फिजिक्स टू होती है, फिजिक्स टू में चैप्टर के बीच में कोई लिंक नहीं होता. फिजिक्स टू में जब आप एंट्री करोगे तो इंडिविजुअली चैप्टर्स को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें सिक्वेंस नहीं है. लेकिन जो फिजिक्स का जो पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, उसमें यूनिट्स का एक लिंक बना हुआ है, एक पर्टिकुलर सिक्वेंस से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लासेस में हम यही सीखेंगे, पूरा सिक्वेंस से हम सिलेबस को कवर करेंगे. ठीक है, तो हमें हार्डवर्क करना है, हमें एक टीम के तौर पे काम करना है. तो मेरे बच्चों,
आपको कहीं भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, या मुझसे व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट डीप में, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सिलेबस को। इससे पहले का जो वीडियो था वो जस्ट एक इंट्रो पार्ट था कि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए किससे, हमारी फिजिक्स की बुक से, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के बारे में। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर दो टर्म होती है, एक होती है इलेक्ट्रो, एक टर्म होती है स्टेटिक्स। इलेक्ट्रो एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। स्टेटिक्स एक टर्म है, स्टेटिक्स एक टर्म है जो क्या शो करती है, एट रेस्ट स्टेट, एट रेस्ट स्टेट। तो देखिए इन दोनों टर्म से हमने बनाई डेफिनेशन किसकी, इस ब्रांच की जो फिजिक्स की है। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इन विच वी डील्स अबाउट द चार्जेस एंड देयर इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। जैसे देखिए, इट मीन्स मैंने लिखा है पूरा, आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक का मतलब वही है चार्जेस विच आर रेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, ये बात है। अब सबसे मेन जो बात है वो है क्या है, एट चार्ज होता क्या है, ये चार्ज है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्जेस को पढ़ने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से। तो देखो बच्चों, क्लास टेंथ के अंदर आपने पढ़ा था एटम्स के बारे में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये पढ़ा था वहाँ पे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन तो क्या होता है न्यूट्रल, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है कब, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो, इक्वल किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। इस बात को हम फिजिक्स में हम ऐसा समझते हैं कि इफ़ टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज देन एनी एटम इज न्यूट्रल, ठीक है, सभी एटम नॉर्मल में न्यूट्रल होते हैं। लेकिन क्लास न्यूट्रल तो हैं वो, पर क्या स्टेबल है, क्या स्टेबल नहीं है। जैसे हम लोग हैं, आप हो, अभी आप पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, फॉर स्टेबिलिटी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही एटम्स जो होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए तीन तरह के रास्ते चूज़ करते हैं, जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। हमारे 12th क्लास के कोर्स के अंदर, शुरू के चैप्टर्स के अंदर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड जो बनता है एटम्स के बीच में वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें पार्शियल चार्ज होता है, डेफिनेट चार्ज कभी प्रोड्यूस नहीं होता। तो हम दो ही बातें करेंगे, या तो कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये मार्कर मेरे हाथों में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को या तो इमिट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 281, ठीक है। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने इमिट किए हैं उसी नंबर में उस पर वैलेंसी आती है। आपने लिखा एन ए प्लस वन, तो प्लस वन जो है वो यहाँ पे वैलेंसी है, ठीक है। पर यहाँ पे फिर इसमें हम ये मानते हैं कि अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन इमिट किया है तो अब इस कंडीशन में इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ चुका किससे, टोटल नेगेटिव चार्ज से। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो चुके हैं किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से,
ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ पॉजिटिव चार्ज में, इसको हमने लिखा कहाँ पे, एटम के पावर के अंदर प्लस वन, ठीक है। सेम टू सेम क्लोरीन जो होता है, अभी न्यूट्रल है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 287। तो ये एटम जो है अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, किससे, प्रोटॉन से। तो हमने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है नेगेटिव चार्ज में, वो हमने क्या लिखा, पावर्स के अंदर। इन शॉर्ट क्लास आप ऐसा मान सकते हो कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी केमिस्ट्री के अंदर, ये वैलेंसी हमारे फिजिक्स के लिए चार्ज को शो करती है, ठीक है। ये जो माइनस का वन आया है ये शो करता है माइनस का वन इलेक्ट्रॉन, और ये जो प्लस वन है ये शो करता है प्लस का वन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर।